जबलपुर में एक नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी का पुलिस ने सार्वजनिक जुलूस निकाला, जिससे आरोपी को जनता के सामने शर्मिंदा किया जा सके। आरोपी अमित ठाकुर को पुलिस ने पकड़ने के बाद जुलूस के दौरान उसे लड़की छेड़ना पाप है, पुलिस हमारी बाप है कहते हुए सड़कों पर घुमाया। यह जुलूस निकालते हुए पुलिस आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंची, जिससे समाज में यह संदेश दिया जा सके कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ये घटना गढ़ा थाना क्षेत्र के सर्वेंट क्वार्टर के पास की है। जब नाबालिग लड़की स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने रास्ते में उसे रोककर पता पूछने के बहाने छेड़छाड़ की। पीड़ित लड़की ने अपने माता पिता के साथ गढ़ा थाने में जाकर इस घटना की सूचना दी और FIR दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और लगभग 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान चंद घंटों के भीतर पुलिस ने नेहरू नगर निवासी अमित ठाकुर के रूप में करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ की घटना सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं और नाबालिगों के प्रति हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों में घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रख रही है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और समय पर कार्यवाही की जा सके। गढ़ा थाना के TI नीलेश दोहरे ने बताया कि पुलिस इस तरह की घटनाओं के प्रति सतर्क है और समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वह सतर्क रहे, अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तत्काल पुलिस को सूचना दे, जिससे घटना को रोका जा सके। PBC के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची कोचिंग जा रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति उसके पास आकर पता पूछता है और पता पूछने के बहाने उसके साथ छेड़खानी करता है। चूँकि बच्ची नाबालिग थी, इस घटना के बाद से बहुत वो डर और सहम जाती है, अपने माता पिता को इस घटना की पूरी घटना के बारे में बताती है और परिजनों के साथ जैसे ही थाने पर आती है तो बच्ची बहुत डरी सहमी थी। उस समय महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा उसे एक छोटी बहन के रूप में समझाया गया, मेरे द्वारा भी बड़े भाई के रूप में आश्वासन दिया गया, जिससे उसका डर दूर हुआ। तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीकृत करके उसमें विवेचना में लिया गया। चूँकि उस समय तक केवल घटना के कारित करने वाले आरोपी के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, केवल उसका हुलिया भर पुलिस के सामने था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया। एक टीम लगातार CCTV फुटेज देख रही थी, एक टीम थाने का आपराधिक रिकॉर्ड में जो फोटो है उसको पीड़िता को दिखा रही थी और एक टीम सूचना संकलन की, वो लगातार हुलिये के आधार पर आरोपी को सर्च कर रही थी। तीनों टीमों के द्वारा संयुक्त अभियान के रूप में कार्रवाई की गई और चंद घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अमित ठाकुर जो नेहरू नगर में रहता था उसे गिरफ्तार करके मानी जाने के समक्ष पेश किया गया। आरोपी को बीच जुलूस में निकाला गया, क्या संदेश? आरोपी को पैदल न्यायालय भेजा गया था और संदेश ये था कि नाबालिग बच्ची महिला के साथ यदि कोई भी व्यक्ति छेड़खानी करता है, किसी भी प्रकार की गलत हरकत करता है तो गढ़ा पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की यदि घटना का कोई पुनरावृत्ति करता है तो उसके विरुद्ध जिला बदल जैसी प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। धारा 74 BNS व 7-8 पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में दिया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।